श्रीः आदिकवि श्रीवाल्मीकि महामुनिप्रणीतं रामायणं बालकाण्डं प्रथमः सर्गः तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपभृच्छिङ्ग् अण्ड् रीडिङ्ग् ओन्लि द श्लोकस् कौन लोके गुणवान कश्चवीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को सर्वभूतेषु को विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैका प्रियदर्शनः

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम् श्रुत्वा चैत्रिलोकज्ञो श्रुत्वा चैत्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः श्रूयतामिति च प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहुवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्षाम्यहं बुध्वा तैयुक्त श्रूयताम नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो ध्युतिमान धृतिमान वाग्मी श्रीमत् छत्रुनिभरहन है विपुलाम्सो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु महोरस्को को महेश्वासो गुरुज्जग जग्रुरारिंदम है आजानु बाहु सुशीरस सुलेलातसु विक्रम है समस्माविभक्तांग प्रतापवान पीन वा विशालाशो लक्ष्मी व क्षुभलक्षण धर्म सत्य सन्ध प्रजा च हिते रशस्वी ज्ञान समुचिर्वश्य प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनि रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्र शास्त्रार्थ शास्त्रा तत्व स्मृतिमा स्मृतिमा स्मृति प्रतिभालोक प्रियसाधुर सर्वदा सर्वदागत सद समुद्र सिंधु आर्यसर्व सद प्रियदर्शन स च सर्वुनोपेत कौसल्यानंदवर्धन समुद्रइव गांभीर्ये धैर्य हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्े सोमवत्शन सदृश क्रोधे क्षमया प्रीति ते वि समह धन देन समस्य त्यागे सत्ये धर्मैवा परह तमेवम गुणसंपन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणै युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतिनामितै युक्तं प्रकृतिप्रिय काम्य काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुं मैच्यत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्यातकैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेण विवासनञ्च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतह विवासया माससुतम रामम दशरथप्रियं सजगामवनं वीर प्रतिज्ञा मनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात कैकेत्य प्रियकारनां तमरजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुज स्नेहाद्वि विनयसंपन्न सुमित्रानन्दवर्धनः श्रात्रम दैतो भ्रातुः सौभ्रात्रम मनुदर्शयन् रामस्य दैता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसंपन्ना नारीनामुत्तमवधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगत पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादातिपतिं प्रियम् गुहे न सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीताया देवनेन वनम गत्वा नदी स्थीत्वा बहुदकाः इत्रकोट मनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमा वसतम कृत्वा रममाना वनेत्रयः देवगंधर्व संकाशास्तत्र तेन्यवसन सुकम् गते रामे पुत्रशोकानुरस्थता राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विक्विल पंसुतम गते तु तस्मिन भरतो वशिष्ठ प्रमुखै द्विजैः नियुज्यमानो राजाय नैच्छद्राजम महाबलः स वनम वीरो राम पाद प्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं आयाचत भ्रातरं रामं मार्य भावपुरस्कृतः तमेव राजा धर्मग्नय इति रामं वचो ब्रवीत रामोपि परमोधारसुमुक्स न शाह न नचेचत पिताज राहाबल पादुके चाज्याय न्या पुनःपुन निवर्तयामसत भरत भरताग्रज भरता सका स कामनवाच्य राम पुुपस्पृशन नंदी करोत्रजम रायन का रागमन कांक्षया नंदी ग्ररोत्रन कांक्षया, कांक्षया गति भरते श्रीम सत्यसंदोजितेन्द्रियमस्तु पुनरालक्ष जनसागमन मे का मन मेकाग्रो दंडका प्रवेश प्रवेश महारण्यम रामो राजीवल लोचन विराधम राक्षसम हवा शरभंगम दर्श सुतीक्षण चाप्यगस्गस् भ्रातरम तथा अगस्त्यवचना चग्राइन्द्रम शरासनम खड्गं च परम प्रीतस्तु नीचाक्षस सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदावने

उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् परं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजगानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने जनस्थान जनस्थन निवासी निहता सहसरा चतुर्दश तथो ज्ञाति वु रावण क्रोध मूर्चि सायम वरयामास मरीचम नाम राक्षसम वार्यम बहुशोसा सा मरीचे रावण नीरोध बलवता क्षमो रावण तेन ते अनाध्य तो तद्वाक्यं रावण कालचोदि जगाम सह पदम तदा तेन मया विना दूरम अपवाह नृपात्मज जहार भार्या से गृध्रम हत्वा जटाषं गृध्रं च निहतम दृष्ट हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दब्ध्वा जटायुषं मार्गमानो वने सीतां राक्षसंसन्ददर्शः कबन्दं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तं निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्ग स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शभरीम् धर्मचारिणीम् श्रमण धर्म निगछे राघव सोभ्य गातेज शबरी शत्रुसूदन शबरिया पूजित सम्य ग्रामों दशरतात्मज पंपातीरे हनुमता संगतो वानरे न हनुमत वचनाचेव सुग्रीवेन समागत है सुग्रीवायचत सर्वेम सत्सर्वम् शमसद्रामो महाबल है आदितस्थद्यथावृत्तम् सीतायाश विशेषत है सुग्रीवश्चापित सर्वम् शुत्वारामस्य वानर है चकारस रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैराणुकथनं प्रति रामाया, रामाया वेदितं सर्वं प्रणया च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश बलम त्र कथयास वान सुग्रीव नित्यं वीर राघवेश राघव प्रत्यथम तू प्रतुपे कायुतम दर्शयामास सुग्रीव सुग्रीवो सीभ उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप पा सम्पूर्णं दशयोजनम् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिन् रसातलञ्च जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमस्थ विश्वस्थ स महाकपी कितो जगाम चुहां तदा तथो घर्जी धरीवर सुग्रीवो हे मापिंगल हे ते न न ते न महतानि जगा महरिष्वर हे अनुमान्यतदा तारां सुग्रीवेन समागत हे निजगान चत्रेनम् शरेनाइके न राघव हे तदसुग्रीववचनादत्वा वाली सुग्रीवमेव वा तद्राजे राघव प्रत्यद समानीय वानरान्नर वानरा शब दिश प्रस्थायामस दिदृक्षुर्जनका ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयो जन विस्तीर्णम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ददश सीतां ध्यायंती मशोकवनिकां गतां निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पंचसेना ग्रहान् ग्रहान हत्वा अप्तमंत्री सुतानपि चूरमक्षंच निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमं सामोपगमत् अस्त्रेणोन् मुक्तमात्मानं यात्वा पैता महात्व्र वरात मर्श्य यन्द्राक्षसान वीरो यन्त्रिनस्थान ययदृच्छया ततो दग््वापुरी लंकामृते सीता मैतिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिहि सौभिगम्य महात्मा प्रत प्रदक्षिणेदय तमेया दृष्टास तत्व ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोददेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरिताम् पतिः नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणगमाहवे रामसीतामनुप्राप्य परं व्रीढामुपागमत् तामुवाच ततो राम परुषं जनसंसदि अमृष्यमाना सा सीता विवेशज्वलनं पृप्सति त्रीववचना सीता विगत कलषा कर्म न तेन महता त्रिलोक्यं सचराचर सदेर्षिगण तुष्टम राघव से महात्म बभौराम संप्रहृष्ट पूजित सर्वैवत अभिषिच्य छलंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्य सदा कृतकृत्यस्तदा रामो विच्छर प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्धृतः भरद्वाज आश्रमंगत्वा रामस सत्य पराक्रमः भरतस्य आंतिके रामोह हनुमन्तं यसर्जयत पुनराख्यायिकां झलपन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौतदा नंदीग्रामे झटांहित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः राम सीता मनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्नुवान् अवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टसुधार्मिकः निरामयो चरो रक्तश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित्

ज्वरकृतं ज्ञा ततः न चापि क्षुद्रभयं तत्र न तस्करभयं ततः नगराणि च राष्ट्रानि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृत युगे तथा अश्वमेदशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवाम कोट्ययुतं दत्वा विद्भद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंखेयं धनं दत्वा ब्राह्मणे महायशाः राजवंशाच्छत गुनान् स्थापयिष्यति राघवः चतुर्वर्ण्यं च लोकेस्मिन् स्वस्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरह सपुत्र पौत्र सगन प्रेत्य स्वर्गे महीपते पटनद्विजो वाग्रृष वा भदवमृषभद्वमियात्स वा क्षत्रियो भूमिपतित्वमियात् वणन पन्न पन्न्यफल झनश्च शूद्रो शूद्रोपी महत्वमीया इतिशे श्रीमद् रमीकी आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्ग